हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून आज हम डिस्कस करेंगे अगारिकस और पक्सिनिया की लाइफ साइकिल तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अगारिकस अगारिकस को बेटा हम कॉमनली कहते हैं मशरूम ठीक है जी वो आजकल मशरूम एग्रीकल्चर काफ़ी फेमस है क्योंकि ये प्रोटीन्स में रिच होता है किस में रिच होता है प्रोटीन्स में रिच होता है गरिक को गिलई भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है बिकॉज गिल -like present, गिल लाइक लाइक पोर्स पोर्स आर आर प्रेजेंट प्रेजेंट इट्स फ्रूटिंग बॉडी क्योंकि इसके फ्रूटिंग बॉडी के अंदर गिल लाइक पोर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है इसलिए इसको क्या कहा जाता है गिल फंगई भी कहा जाता है इनको फेरी रिंग्स भी बोला जाता है बिकॉज इट्स फ्रूटिंग बॉडी इट्स फ्रूटिंग बॉडी लुक्स लाइक रिंग्स लुक्स लाइक रिंग्स इसलिए ये क्या कहलाती है फेरी रिंग्स भी कहलाती है मशरूम की सारी स्पेसिज एडिबल नहीं होती है खाने लायक नहीं होती है जो एडिबल मशरूम जो मेनली फेमस है वो कौन सी है सेलियोटा कंपेस्टिस ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि एडिबल मशरूम की स्पेसिस कौन सी है तो कौन सी है सैलियोटा कंपेस्टिस इसके अलावा इसके बाकी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो ये ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोफिक मोड फॉलो करते हैं दैट मीज स्ट्रिक्ट सेप्रोट्रोफ होते हैं वेजिटेटिव रिपोर्डक्शन देखें तो वो होती है इनके केस में फ्रेगमेंटेशन से ही ए सेक्शुअल प्रोडक्शन जर्नली एबसेंट होती है माइसीलिया माइसिलियम इनका कैसा होता है हिट्रोथेलिक होता है ठीक हिट्रो है हिट्रोथैलिक मतलब मेल पार्ट अलग थैलेस पे प्रेजेंट होंगे अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे और फीमेल अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे ठीक है सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होती है बाई सोमैटोगैमी दो सोमैटिक आपके माइसिलियम के फ्यूजन से होती है तो सोमैटोगैमी इनके अंदर होती है तो देख लेते हैं सोमैटोगैमी कैसे होती है एक तो है हमारे पास प्लस टाइप का हाइफे और एक होता है माइनस टाइप का हाइफे सबसे पहले ये दोनों हाइफे की जो सेल्स होती हैं वो क्या शो करती हैं प्लाज्मोगेमी अब क्योंकि ये का पार्ट है तो प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी तो इनके केस में सबसे पहले क्या डेवलप होगा डाई सेल डेवलप होगी क्या डेवलप होगी डाई सेल क्योंकि प्लाज्मोगेमी हो चुकी है तो एक ही सेल में दो न्यूक्लियर आपके प्रेजेंट होंगे तो यही डाइकैरियोटिक सेल आगे जाकर के क्या प्रोड्यूस करेगी सेकेंडरी माइसीलियम और इसके सेकेंडरी माइसिलियम में क्लैम्प कनेक्शन की हेल्प से ये डाइकेरियोटिक कंडीशंस को क्या करेगा स्प्रेड करेगा ठीक है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी जैसे ही क्या आएंगी फेवरेबल कंडीशंस आपकी आती है तो हाइफे ऑफ सेकेंडरी माइसिलियम ये जो सेकेंडरी माइसिलियम है इसके जो हाइफे हैं दे कलेक्ट एट प्लेसेस जगह जगह पे कलेक्ट हो जाएंगे एंड गिव राइज टू एंड गिव राइज टू राउंडेड कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफे ध्यान रखना सेकेंडरी माइसिलियम को जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं उनके जो हाइफे होते हैं वो जगह जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं और एक राउंडेड कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफे प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बटन्स कहते हैं क्या कहते हैं बेटा बटन्स कहते हैं ठीक है ठीके? ध्यान रखना बटन स्टेज क्या है एट द यंगेस्ट फॉर्म ऑफ बेसिडियोकार्प ये बेसिडियोकार्प की यंगेस्ट स्टेज है ठीक है मतलब आगे जाकर के आपका मेच्योर बेसिडियो कार्प बनेगा तो उसकी यंगेस्ट स्टेज की शुरुआत कहां से हो चुकी है बटन स्टेज में हो चुकी है इसके बाद क्या होता है बेटा ये ध्यान रखना कि जो बटन स्टेज होती है ये एलार्ज करती है और यही आगे जाकर के क्या बनाएगी बेसिडियो कार्प बनाएगी इनके केस में जो बेसिडियो कार्प होता है ये क्रीम टू पिंकिश ब्राउन कलर का होता है कैसे कलर का होता है क्रीम टू पिंकिश ब्राउन कलर का होता है ठीक है बेसिडियो कार्प एक्चुअल में क्या है इसी को कॉमनली कहा जाता है पॉपुलरली कहा जाता है एट एज पॉपुलरली कॉल्ड मशरूम इसी को हम मशरूम कहते हैं मशरूम जो पार्ट हम कंज्यूम करते हैं उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं आपका मशरूम कहते हैं और एक चीज ध्यान रखना जो सेकेंडरी माइसिलियम हमने यूज किया है किसके लिए बेसिडियो कार्प बनाने के लिए उसको कहा जाता है स्पॉन जो सेकेंडरी माइसिलियम जो बटन स्टेज का जो सेकेंडरी माइसिलियम यूज होता है कार्प की फॉर्मेशन के लिए उसको हम क्या कहते हैं और कार्प को ही पॉपुलरली मशरूम कहा जाता है एक्चुअल में ये क्या है इट इज द एरियल स्ट्रक्चर ऑफ एगेरिकस एगेरिकस का वो पार्ट है जो एरियल होता है ठीक है इसी को हम कंज्यूम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है बेसिडियो कार्प जो होते हैं दे ऑफन लाई इन रिंग्स ये बेसिकली रिंग्स की फॉर्म में होते हैं इसीलिए इसको हमने क्या कहा है फेरी रिंग्स भी बोला है फिर आगे जाकर के क्या होता है बेटा आपका बेसिडियो कार्प डेवलप हो गया है तो बेसिडियो कार्प के अंदर आपके क्या है बेसिडिया है तो बेसिडिया के अंदर आगे जाकर के आपकी कैरियोगेमी होगी कैरियोगी होगी तो आपके पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगी क्योंकि प्लाज्मोगी इमिडिएटली कैरियोगी से नहीं फॉलो हो रही थी बीच में डाई फेज आया जिसने बेसिडियोकार बनाया और उसके अंदर आपका बेसिडिया है तो बेसिडिया में कैरियोगी हुआ और फिर उसके बाद मियोसिस हुआ और मियोसिस होने से हमारे पास क्या बन गया है बेटा मेथड ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये ड्रॉपलेट मेथड से क्या हो जाते हैं दे गेट्स थ्रोन अवे उसके बाद क्या होता है जैसे ही बेसिडियोस्ट जर्मिनेट करेंगे बेटा ये क्या करेंगे क्योंकि यह हेप्लॉयड है तो ये हेप्लोइड माइसिलियम की फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी माइसीलियम या मोनोकेरियोटिक माइसिलियम तो यहां पे आपका प्राइमरी माइसिलियम की फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैरियोगी एंड मियोसिस हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर कौन सी है बेटा बेसिडियम ध्यान रखना बेसिडियम वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैरियोगेमी एंड आपका क्या बन रहा है बेटा मियोसिस हो रहा है ठीक है तो बेसिडियो मशरूम हम किसको कह रहे हैं बेटा एरियल स्ट्रक्चर ऑफ एगेरिकस को कह रहे हैं बेसिडियो कार्प जो इसका होता है ये बेसिकली सर्कुलर इन आउटलाइन होता है कैसी आउटलाइन होती है इसकी सर्कुलर होती है और अगर आप देखोगे तो इसका अपर सरफेस तो कॉन्वेक्स होगा अपर सरफेस कैसा होगा कॉन्वेक्स होगा ऐसे उभरा हुआ होगा आपको बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ दिखाई देगा और लोवर सरफेस अगर आप देखोगे या अंडर सरफेस अगर आप देखोगे तो वो या तो कनकेव होता है या फिर फ्लैट होता है ठीक है बेसिडियो कार्प जो होता है इसको हम बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बसीडियो को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं एक तो होता है स्टाइप स्टाइप क्या होती है इसके बसीडियो काप की जो स्टॉक होती है फ्लैशे भी होती है ये और ऊपर जो टप के ऊपर अम्ब्रेला लाइक -like कैप होती है उसको हम कहते हैं पीलियस अम्ब्रेला लाइक -like कैप को हम क्या बोलेंगे पिलियस तो इसके बेसिडियोकार को दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है स्टाइप एंड पीलियस ठीक है एक चीज ध्यान रखना क्योंकि बटन स्टेज को हमने कहा था यंगेस्ट स्टेज ऑफ बेसिडियोकार तो बटन स्टेज में जो पीलियस होता है बेटा अटैस कनेक्टेड टू द स्टाइप बाय ए मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वेल और वेलम उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं वेल और वैलम ठीक है लेकिन ये तो बटन सीज में होता है जैसे जैसे मैच्योर होता होता है 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 तो ये ये जो वेल या वैलम है, ये रप्चर हो जाता ठीक है हालांकि रप्चर हो गया तो क्या हो गया दो पार्ट्स में टूट गया एक पार्ट आपका कहाँ मिलेगा अपर पार्ट ऑफ द स्टाइप और जो अपर पार्ट ऑफ द स्टाइप के ऊपर मिलता है उस पार्ट को हम बोलेंगे एनुलस ठीक है ध्यान रखना ठीक है अपर पार्ट के ऊपर भी कुछ वेन रप्चर होने के बाद जो पार्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं एनुलस कहते हैं और इसका ये जो पिलियस पार्ट होता है इसके अंदर थ्री हंड्रेड से लेकर के सिक्स हंड्रेड रेडिएटिंग रोज ऑफ रेडिएटिंग रोज ऑफ वर्टिकल प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगी जिनको हम बोलेंगे गिल्स इन वर्टिकल प्लेट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा गिल्स तो गिल्स आपको देखने को मिलते हैं इनमें जो गिल्स होते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पर कि उनकी कैसा कितने पार्ट को कवर कर रहे हैं नॉर्मल हाफ एंड क्वार्टर एक चीज ध्यान रखना ये गिल्स क्यों पड़ रहे हैं बेटा क्योंकि इनके गिल्स के अंदर भी आपको स्पोर देखने को मिलेंगे जो कि रिप्रोडक्शन शो करते हैं ठीक है तो इसके जो गिल्स है मशरूम के स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन इसके स्ट्रक्चर को अगर हम कट करके देखें तो उसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ट्रामा सब हाइमेनियम एंड हाइमेनियम अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ट्रामा क्या है एट ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द आपका जो मशरूम है उसका सेंट्रल जो पार्ट होता है सेंट्रल इन पोजीशन होता है और ये किससे बना हुआ होता है एट इज अप ऑफ लूजली वोवन ठीक है और पैरेलल हाइफे सेंटर के अंदर जो हाइफे होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं उस मास ऑफ हाइफे को हम क्या कहते हैं ट्रामा कहते हैं क्या कहते हैं ट्रामा इसके बाद दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा सेंटर से आप बाहर की तरफ आओगे तो सब हाइमेनियम ये क्या है कॉम्पैक्ट है जबकि वो लूज था ये कैसा है कॉम्पैक्ट है और ये इंटरमीडिएट लेयर है ये सेंट्रल थी ये इंटरमीडिएट लेयर है और जो सबसे बाहर वाली फर्टाइल लेयर है उसको हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल फर्टाइल लेयर इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टाइल लेयर इसको हम कहते हैं हाइमेनियम ठीक है ये जो हाइमेनियम होता है इसके अंदर फर्दर दो टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी ये चीज इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना हाइमेनियम जो है एट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कौन कौन से पैराफाइसिस एंड बेसिडिया पैराफाइसिस क्या होते हैं इसके अंदर जो स्टेराइल हाइफे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं पैराफाइसिस कहते हैं और जो फर्टाइल पार्ट होता है इसके ऊपर जो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि डाइकेरियोटिक होती है उसको हम क्या कहते हैं बेसिडिया कहते हैं क्या कहते हैं बेसिडिया तो एक बार मैं आपको डाइग्राम में दिखा देती हूँ ये मशरूम का बेसिडियो कार्प है ये इसकी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और ये अम्ब्रेला लाइक कैप है तो इसको हमने कहा था स्टाइप और ये है इसकी कैप दैट इज पिलियस इसके लोअर सरफेस पर आपको देखोगे तो ये रेडिएटिंग रेस थ्री हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड आपको रेडिएटिंग रेस दिखाई देंगी जिनको हमने कहा था गिल्स और ये हाइफे पार्ट है जिससे ये सबस्टेटम से कनेक्टेड होता है ठीक है इसका ट्रांसफर सेक्शन हमने कट करके देखा तो ये सेंटर में हमें क्या दिखाई दिया बेटा ट्रामा रीजन दिखाई देगा इसके बाद दोनों तरफ ये आपका सब हाइमेनियम है और ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं हाइमेनियम ट्रामा के अंदर जो हाइफे होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं सब हाइमेनियम कॉम्पैक्टली अटैच होते हैं और हाइमेनियम के अंदर दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी एक तो है बसीडिया और इनके बीच बीच में ये जो स्टराइल हेयर्स हैं दे आर कॉल्ड पैराफाइसिस इनको हम क्या कहते हैं पैराफाइसिस कहते हैं ठीक है तो बैसीडिया के अंदर क्या क्या इवेंट होंगे वो मैं आपको बता देती हूं प्लाज्मोगैमी पहले ही हो चुकी थी क्योंकि प्लाज्मोगैमी हुआ तो डाइकर फेज बना उसी के अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई बेसिडिया की तो बेसिडिया एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि इनिशियली डाइकेरियोटिक है उसके बाद इसके अंदर क्या हो जाता है बेटा कैरियोगी हो जाती है न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो कैरियोगेमी होते ही इसके अंदर डेप्लोयड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं सिंकैरियोन सिन क्यों क्योंकि ये फ्यूजन से बना है ठीक है बनने के बाद उसके अंदर म्योसिस होगा और म्योसिस से फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे पहले चार हेप्लोइड न्यूक्लियाई बनेंगे जिसमें से दो प्लस टाइप के बनेंगे और दो माइनस टाइप के ठीक है फिर जो ये पैग लाइक आउटग्रोथ बनी है जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस था पहले डाइकेरियोटिक तो इसने डिवीज़न किया तो चार न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया अब इन्हीं में से एक एक न्यूक्लियाई इन आउटग्रोथ में जाना शुरू कर देगा किसमें जाना शुरू कर देगा ये जो फोर पैग लाइक आउटग्रोथ है इनके अंदर जाना शुरू कर देगा और इन पैग लाइक आउटग्रोथ को हम कह रहे थे स्टैरिग मैटा ठीक है तो जैसे ही न्यूक्लियाई इधर माइग्रेट करेंगे तो स्टेरिगमेटा क्या कर लेगा बेटा न्यूक्लियाई को रिसीव कर लेगा न्यूक्लियाई रिसीव्ड और जैसे ही उसके अंदर न्यूक्लियाई चले जाते हैं अब हम उसको क्या बोलेंगे हेप्लोयड बेसिडियोस्पोर तो दैट मीन्स हमारे पास क्या बन गया है बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है ये जो बेसिडियोस्पोर होते हैं ये पिंकिश टू पर्पलिश कलर के होते हैं कैसे होता है पिंकिश टू पर्पलिश कलर तो ये थी हमारी बेटा मशरूम की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट थी ठीक है अब हम सेकेंड लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं दैट इज पक्सीनिया ठीक है छोटी सी लाइफ साइकिल है देखो पक्सीनिया को रस्त फंगाई भी कहा जाता है इसके अंदर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा होता है स्पर्मेटाइजेशन होता है किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है से इसकी अलग अलग स्पेस है जो अलग अलग टाइप के रस्ट डिजीज कॉज करते हैं जैसे ग्रामिनिस करती है ब्लैक रस्ट या ये मेनली किस पार्ट को अफेक्ट करता है स्टेम को इसलिए इसको स्टैम रस्ट भी कहा जाता है किसके अंदर वीट के अंदर ध्यान रखना इसी पूछ सकते हैं पक्सीनिया रिकॉन्डेटर यह वीट में कॉज करता है ब्राउन रस्ट और ब्राउन रस्ट जो होता है मेनली लीफ पार्ट में होता है तो इसलिए उसको लीफ रस्ट भी कहा जाता है ठीक है पक्सीनिया स्ट्री फॉरमेस कॉल करता है येलो रस्ट या इसको हम स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पक्सिनिया के अब हम पर्टिकुलरली पक्सिनिया की एक पर्टिकुलर स्पेसिज की लाइफ साइकिल स्टडी कर रहे हैं इज है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ये जो स्पेसिस है इसकी ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है मतलब स्ट्रिक्टली ये पैरासिटिक मोड को फॉलो करती है हट्रोथेलिक है दैट मींस प्लस टाइप माइसिलियम अलग थैलस पे बनता है और माइनस अलग पे दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफे के बीच में फ्यूजन होता है यू है ठीक है इनके केस में बेसिडियोकार्प जो होता है वो बेटा एब्सेंट होता है ये चीज ध्यान रखना बेसिडियो कार्प क्या होगा एब्सेंट होगा जबकि अगारिकस में हमने बेसिडियोकार्प पढ़ा है जो कि उसका मेन पार्ट था अब क्योंकि इनमें बेसिडियोकार्प तो है नहीं तो फिर कैरियोगी और म्योसिस किस में होगा तो कैरियोगी एंड म्योसिस इनके केस में होगा टैल्यूटोसफोर्स के अंदर ध्यान रखना यह चीज इंपॉर्टेंट है पूछ लेते हैं बाकी अगेरिकस में तो बेसिडिया में हो रहा था लेकिन इनमें क्योंकि बेसिडियोकार्प की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो कैरियोगी या म्योसिस जा में होगा टैल्यूटोस फोर्स में होगा हेट्रोकॉशियस है हेट्रोकॉशियस मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट प्राइमरी होस्ट वो होस्ट है जिसमें ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा जिसमें ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर करेगा उसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी होस्ट प्राइमरी होस्ट को ही Primitive host भी कहा जाता है 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 और के के केस में क्या क्या बेटा ये पूछते हैं हैं आपसे किसे कहते है? जिसके अंदर वो short time के लिए शॉर्ट ट्रांजिशन स्टेट पीरियड होता है इसके अंदर शॉर्ट ट्रांजिशन पीरियड को फॉलो करता है इसी को इंटरमीडिएट होस्ट भी कहा जाता है और इसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट कौन है बेटा है ध्यान रखना प्राइमरी होस्ट जिसमें सेक्सुअल सेक्सुअल करता है sexual cycle complete करती है साइकिल कंप्लीट करती और सेकेंडरी होस्ट जिसके अंदर शॉर्ट ट्रांजिशन पीरियड होता है टेम्परे टाइम के लिए रहता है सेक्सुअल प्रोडक्शन उसके अंदर नहीं होती है एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपका पक्सीनिया है ये पोलीमोर्फिक फंगस है पोलीमोर्फिक पोली मतलब मैनी मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाता है एक्चुअल में ये फाइव टाइप के स्पोर्स बनाते हैं कितने टाइप के फाइव टाइप्स के आगे हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम दो कैटेगरी बेसिकली स्टडी करते हैं मैक्रोसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक तो जो आपका पक्सिनिया होता है वो तो मैक्रोसाइक्लिक होता है मैक्रोसाइक्लिक फंगस हम किसे कहते हैं जिनकी लाइफ में पिकनेडियोस्पोर और एसियो स्पोर ये दो टाइप के स्पोर के बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं अगर ये दोनों स्पोर इनकी लाइफ स्टेज में प्रेजेंट हो तो उनको तो हम कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक तो आपका पक्सिनिया तो कैसे है मैक्रोसाइक्लिक है क्योंकि इनमें ये दोनों स्पोर की फॉर्मेशन होती है लेकिन जो फंगाई जिनके केस में ये दोनों स्पोर एबसेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं माइक्रोसाइक्लिक कहते हैं लेकिन आपका पक्सिनिया कैसा है बेटा माइक्रोसाइक्लिक है ठीक है अब हम इसमें अलग अलग कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन से स्पोर हैं जो ये प्राइमरी होस्ट में प्रोड्यूस करता है क्योंकि पांच टाइप के स्पोर हमने बनाए और कौन से स्पोर हैं जो सेकेंडरी होस्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो प्राइमरी होस्ट आपका क्या है वीट और सेकेंडरी होस्ट क्या है बारबेरी ठीक है तो प्राइमरी होस्ट में तीन स्पोर प्रोड्यूस करता है, कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा यूरिडोस्पोर, जो कि डाई कैरियोटिक होते हैं एन प्लस एन फ्लोडी के होते हैं टैल्यूटोस्पोर अब इनिशियली तो टैल्यूटोस्पोर जो होते हैं वो एन प्लस एन फ्लोडी के होते हैं लेकिन आपने देखा अभी अभी कि इसी के अंदर कैरियोगी होती है तो बाद में ये कैसे हो जाते हैं डिप्लोइड भी हो जाते हैं तीसरे स्पोर है स्पोर अब आपको पता है स्पोर की फॉर्मेशन मियोसिस से होगी तो ये कैसे होंगे होंगे अब एक चीज ध्यान रखना स्पोर बनते तो है प्राइमरी होस्ट में लेकिन ये इन्फेक्ट किसको करेंगे सेकेंडरी होस्ट को करेंगे दैट इज बारबरी मतलब बारबरी प्लांट के ऊपर जो इन्फेक्शन कॉज करेगा वो कौन करेगा बेसिडियोस्फोर और उसकी प्रोडक्शन किसके ऊपर हो रही है वीट, वीट के अंदर ऐसे बारबरी में इन्फेक्शन करने के बाद ये दो टाइप के स्पोर बनाता है एक तो पैकनीडियोस्फोर अब क्योंकि पिकनिडियोस्फोर किससे बन रहा है बसीडियोस्फोर के बाद बन रहा है और अभी म्यूसिस हुआ नहीं है ना ही कोई फ्यूजन हुआ है तो ये ही कैसे होंगे हेप्लॉड होंगे उसके बाद क्या होता है सोमैटिक फ्यूजन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज आती है एसियोस्फोर तो एसियोस्फोर कैसे होता है डाई होते हैं एन प्लस है N अब एन प्लस एन वाले जो एसियो स्पोर है इनके प्रोडक्शन तो बारबरी पे हो रही है लेकिन ये अटैक किस पे करेंगे वीट पे तो ध्यान रखना दो टाइप के स्पोर आपको याद रखने हैं बेसिडियो स्पोर तो अटैक करेंगे बारबरी पे और एसियो स्पोर अटैक करेंगे वीट प्लांट पे ठीक है ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखना फिर हम यूरिटोस्पोर और टेलिटोस्पोर के बारे में देख लेते हैं जो मेनली मेन पूछ लेते हैं एग्जामिनर कई बार यूरिडोस्फोर एक ऐसा स्फोर है विच री अटैक ऑन वीट वीट प्लांट पर दोबारा से अटैक करेगा री अटैक करेगा ठीक है और जो पक्सिनिया की जो रस्ट अपियरेंस आती है वो रस्ट अपियरेंस मेनली किसकी वजह से होती है तो यूरिडोस्फोर की वजह से होती है ठीक है टैल्यूटो स्पोर अगर हम देखें तो ये डार्क ब्राउन कलर के स्फोर है दे प्रोड्यूस ब्लैक पशुल्स ये क्या करेंगे बेटा ब्लैक पशुल्स प्रोड्यूस करेंगे किसके ऊपर स्टैम ऑन लीव्स के ऊपर इसीलिए पक्सिनिया ग्रामीण इसको हमने क्या कहा था ब्लैक स्टैम ऑफ ब्लैक स्टैम रस्ट ऑफ व्हीट क्योंकि रस्ट डिजीज में ब्लैक कलर के पश्चूल्स प्रोड्यूस होते हैं मतलब पशुल प्रोड्यूस होते हैं और ये पशुल कैसे कलर के बन रहे हैं ब्लैक कलर के और ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है स्टेम के ऊपर मेनली अटैक करता है हालांकि लीफ के ऊपर भी कर सकता है इसलिए इसको स्टेम ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट भी कहा जाता है अब टैल्यूटो स्पोर में जाकर के कैरियोगी होती है ध्यान रखना टैल्यूटो स्पोर ऐसे स्पोर है जो कभी भी व्हीट प्लांट को रीअटैक नहीं करेंगे री इन्फेक्ट नहीं करेंगे ठीक है रीअटैक कौन करता है यूरिडो करता है हर स्पोर का एक यूनिक फीचर मैंने बता दिया है यूरिडो जो है ये तो रस्ती अपीयरेंस देता है और रीअटैक करते हैं विट को टैल्यूटो की वजह से डार्क ब्राउन कलर के पेस्टूल्स प्रोड्यूस होते हैं और इसी के अंदर कैरियोगेमी होती है बेसीडियोस्पोर का क्या करेक्टर है कि ये बारबेरी को अटैक करेंगे स्पोर फिर आपके आगे फिर एसियोस्पोर एसियोस्पोर का क्या कैरेक्टर है कि ये कर अटैक करेंगे वीट में. तो इन स्पोर्स को हमने बेसिकली चार स्टेजेस में डिवाइड किया है जीरो स्टेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको पिकनियोस्पोर को जीरो स्टेज में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं पिकनियोस्पोर को फर्स्ट स्टेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं एसियोस्पोर को सेकेंड स्टेज में रिप्रेजेंट किया जाता है यूरोडोस्पोर को थर्ड स्टेज हम रिप्रेजेंट करते हैं टेल्यूटोस्पोर को और फोर्थ स्टेज से रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिडियोस्पोर बेटा ये जो स्टेजेज है ये इनकी फॉर्मेशन की सिक्वेंस के बेसिस पर है पहले बार में पिकनियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे फिर एसियोसपोर एसियोस्पोर वीट पे अटैक करेंगे तो वो यूरिडोस्पोर बनाएंगे फिर टेलुटोस्पोर फिर बेसिडियोस्पोर इनकी सिक्वेंस को आपको चेंज नहीं करना है। अब हम किसको कह रहे हैं सेकेंडरी होस्ट को कह रहे हैं। लेकिन एक और वर्ड यूज होता है कई बार एडिशनल होस्ट या कोलेट्रल होस्ट या इसको हम सबस्टिट्यूट होस्ट भी कहते हैं ठीक है तो अल्टरनेट होस्ट हम किसे कहते हैं जो इस होस्ट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं ध्यान से देखा होस्ट दैट हेल्प इन द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन क्योंकि ये इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है तो दैट मीन्स इट अल्टीमेटली हेल्प इन एट सर्वाइवल ठीक है और ज्यादातर जो अल्टरनेट होस्ट होता है एट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली अलग फैमिली से बिलोंग करता है जैसे कि बारबरी अटैक तो मेन तो करा था बीट के ऊपर लेकिन इसके में ने इसके लिए बारबेरी किसका काम कर रहा था अल्टरनेट होस्ट तो वो एक डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है जबकि बेटा जो कोलेट्रल होस्ट है जिसको हम सब्सटीट्यूट या एडिशनल होस्ट भी कहते हैं ठीक है ठीके? ये हालांकि सर्वाइवल में तो हेल्प करता है किसमें हेल्प करता है सर्वाइवल में हेल्प करता है ठीक है लेकिन ये डिफरेंट फैमिली से बिलोंग नहीं करता है अटे जर्नली वाइल्ड होस्ट ऑफ द सेम फैमिली ऑफ ए पैथोजन ये सिर्फ सर्वाइवल में हेल्प करता है ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करता है जैसे पक्सीनिया ग्रामीण के लिए जो कोलेट्रल होस्ट है वो कौन सा है बेटा ब्रोमस पैनिकस है जबकि उसका अल्टरनेट होस्ट क्या था बारबेरी था ठीक है अब हम बारबेरी की लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि वो कैसे अटैक करता है तो हमने क्या कहा था बेसिडियोस्पोर, ये वो स्पोर है जो व्हीट प्लांट पे प्रोड्यूस होते हैं लेकिन अटैक किसके ऊपर करेंगे बेटा बारबेरी तो बारबेरी से हम शुरुआत कर लेते हैं तो हमारे पास बेसिडियो स्पोर्स है प्लस टाइप के भी हो सकते हैं माइनस टाइप के भी हो सकते हैं जो कि चार बेसिडियो स्पोर बनाएगा तो दो प्लस टाइप के होंगे और दो कैसे होंगे बेटा माइनस टाइप के तो बेसिडियो स्पोर जब बारबेरी पे अटैक करते हैं बेटा तो ये अपर सरफेस ऑफ लीफ पे अटैक करते हैं और अपर सरफेस पे अटैक करने के बाद जो बारबेरी प्लांट होता है या ये जो स्पोर होते हैं जब जर्मिनेट होता है तो दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं एक तो बनाते हैं रिसेप्टिव आइफे और एक बनाएंगे पिकनेडियल कप तो प्लस टाइप के जो स्पोर है वो तो प्लस टाइप के रिसेप्टिव आइफे और प्लस टाइप के पिकनेडियल कप बनाएगा फिर पिकनीडियल कप के अंदर पिकनियो स्पोर बनेंगे वो भी कैसे प्लस टाइप के और माइनस टाइप के जो बेसिडियो स्पोर्स आए हैं वो माइनस टाइप के रिसेप्टिव हाइफे और पिकनेडियल कप बनाएंगे जिसके अंदर आपके पिकनियो स्पोर बनेंगे कैसे नेगेटिव माइनस साइन के फिर क्या होता है इनके बीच में पॉलिनेशन होता है कैसे हाइफे और स्पोर्स जो है वो अपोजिट टाइप के होने चाहिए मतलब क्या है माइनस टाइप के पिकनियोस किसके ऊपर अटैक करेंगे रिसेप्टिव हाइफे प्लस टाइप पे और प्लस टाइप के पिकनियोस रिसेप्टिव हाइफे नेगेटिव टाइप पे और ये किसके थ्रू ट्रांसफर करेंगे बाय एयर ट्रांसफर होगा तो ये दो डिफरेंट टाइप के हाइफे आपके हो गए हैं तो हिट्रोथलिज्म हमने शो किया था तो इनके बीच में क्या हो जाएगी प्लाज्मोगैमी हो जाएगी और ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं पिकनीडियल स्टेज फिर प्लाज्मोगेमी होगी तो डाइकेरियोटिक स्ट्रक्चर बनगी तो उस डाई स्ट्रक्चर ने डाईकेरियोटिक माइसिलियम बना दिया प्लस माइनस टाइप के दो टाइप के आपके माइसिलियम बन चुके हैं तो फिर क्या होता है ये सारा काम तो हो रहा था लीव के अपर सरफेस पे अब ये डाई कैरियोटिक माइसिलियम क्या करता है डिवाइड करता है और लीव के लोअर सरफेस पे चला जाता है कहां चला जाता है लीफ के लोअर सरफेस पे चला जाता है लोअर सरफेस पे जाने के बाद डाईकेरियोटिक माइसिलियम प्रोड्यूस करेगा एसियोस्पोर को ठीक है एसियोस्पोर जहां पे प्रोड्यूस कर रहा है वो स्टेज कहलाएगी एसिडियल स्टेज अब एसियोस्पोर किसका स्पोर है बारबेरी का लेकिन ये डाई कैरियोटिक है क्योंकि अभी तक आपका कैरियोगेमी नहीं हुआ है कैरियोगेमी तो टेल्यूटोस्पोर में होगा तो तब तक सारी की सारी स्ट्रक्चर डाइकेरियोटिक होगी अब ये अटैक करेगा व्हीट प्लेट और वीट प्लांट पे ये स्फोर जाने के बाद जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करेंगे तो डाइकेरियोटिक माइसिलियम बनाएंगे और वीट पे जब डाई कैरियोटिक माइसिलियम बनेगा तो वो क्या बनाएगा यूरिडोस्फोर और वो भी कैसे होंगे डाई कैरियोटिक और ये स्टेज कहलाएगी यूरोडियल स्टेज अब हमने क्या कहा था यूरिडोस्फोर की फॉर्मेशन किसके ऊपर हो रही है वीट प्लांट पे और ये, ये अटैक भी किसके ऊपर करते, है? तो करते हैं न्यू व्हीट प्लांट पे अटैक करते हैं दैट मीनस वो रीअटैक कर रहे हैं ठीक है तो दे अटैक ऑन न्यू देट प्लांट ध्यान रखना इकलौता ऐसा स्पोर जो जिस होस्ट पे बन रहा है उसी स्पोर को अटैक उसी होस्ट को अटैक कर रहा है वो कौन सा है यूरोडोस्फोर तो व्हीट प्लांट पे बना लेकिन दूसरे व्हीट प्लांट, प्लांट के ऊपर न्यू व्हीट प्लांट के ऊपर अटैक कर रहा है और वहां जाकर के डाइकेरियोटिक माइसिलियम बनाएगा और डाइकेरियोटिक माइसिलियम फिर किसके फॉर्मेशन करेगा टैलुटोस्पोर ठीक है अब टेल्यूटोस्पोर की फॉर्मेशन ये स्टेज कहलाई गई टीलियल स्टेज अब टेल्यूटोस्पोर इनिशियली तो होता है डाइकेरियोटिक लेकिन फिर इसके अंदर कैरियोगेमी हो जाती है तो ये हो जाता है डिप्लोइड और डिप्लोइड टेल्यूटोस्पोर जो है वो जाइगोट में मॉडिफाई हो जाएंगे और फिर ये जाइगोट बेसिडियम की फॉर्मेशन करेगा बेसिडियम में म्योसिस बनेगा म्योसिस होगा और बेसिडियोसफोर बन जाएंगे प्लस एंड माइनस टाइप के तो ये फिर से बेसिडियोस्पोर किसको अटैक करेंगे बारबेरी प्लांट को अटैक करेंगे तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल क्या होती रहती है बेटा रिपीट होती रहती है अब हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं फंगीसाइड्स फंगीसाइड मतलब ऐसे बायोसाइडल केमिकल कंपाउंड्स जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और वो इनबेट करते हैं या किल करते हैं किसको या तो फंगाई को या फंगल स्पोर को तो ये कौन कौन से ही? ये कॉमनली पूछा जाता है बॉडेक्स मिक्सचर ये बेस्ट नोन केमिकल फंगीसाइड है किससे बना होता है बेटा ये से ध्यान रखना पूछी जाती है एग्जाम में तो ये हाइड्रेटेड लाइम से बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है साथ में कॉपर सल्फेट और वाटर होता है इसके अलावा और कौन कौन से फंगीसाइड है जैसे कि ऑर्गेनिक फंगीसाइड नीम ऑयल जो होता है मर्करी क्लोराइड और इवन कैडमियम क्लोराइड एंड कैडियम कैडमियम सल्फेट जो होता है वो भी फंगीसाइड की तरह एक्ट करते हैं तो ये है बेटा आज का हमारा टॉपिक थैंक यू